नमस्कार, सीएमएन न्यूज पर खास पेशकश मेरी क्या गलती देख रहे हैं आप। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे चंद पैसे लेकर भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टरों की, जो पैसे के लालच में भ्रूण हत्या करने में भी गुरेज नहीं करते। दूसरों के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जान छिड़कते हो, पर जब खुद के बच्चे होते हैं तो उनकी जान ले लेते हो। ये शब्द उस नन्हे बच्चे के हैं जिसने जमीन पर अभी तक कदम भी नहीं रखा, जिसने समाज को देखा ही नहीं। जी हाँ, और वो देखेगा भी कैसे, क्योंकि उसके ही परिवार वालों ने उसे कोख में ही जो मरवा दिया, वो भी डॉक्टरों को मोटी रकम देकर। सीएमएन न्यूज में आज हम आपको ऐसा ही एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे जिसे देखने के बाद शायद आपका भी डॉक्टरी पेशे से विश्वास उठ जाएगा और आप कहेंगे कि डॉक्टर ने वैसे तो इंसान की जिंदगी बचाने की पढ़ाई की है, लेकिन उन मासूमों को मारने का ठेका भी लिया है जिसने अभी तक इस जहां के खुले वातावरण में सांस तक नहीं ली। मुझे जन्म से पहले ना मार माई, तेरा मानेंगे उपकार माई। जानते हैं तू बड़ी मजबूर है, पर बता इसमें मेरा क्या कसूर है। रख हौसला, हिम्मत ना हार माई, मुझे जन्म से पहले ना मार माई। सारे ही जीवों में एक ही आत्मा, आत्मा में बैठा एक वो ही परमात्मा। सारे जग का जो पालन हार माई, मुझे जन्म से पहले ना मार माई। माँ आखिर क्यों आपने मुझे इस धरा से जाने दिया, आप तो मुझे समझ सकती थी ना, आखिर मेरी गलती क्या थी। बाबा आखिर क्यों हम भी आपकी उंगली पकड़कर इस धरा पर चलना चाहते थे, आपके कंधों पर बैठकर इस संसार को देखना चाहते थे। बाबा बताओ आखिर मेरी गलती क्या थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। दादा दादी आप ही मुझे रोक लेते, कितने सपने सजोए थे मैंने आपके साथ खेलने के, आपको गले लगाने के, आखिर मेरी गलती क्या थी। आप सबको मैंने देखा तो नहीं, सिर्फ आप सबकी आवाजों को महसूस किया है। मुझे भी मौका देते आपसे मिलने का, काश आप सब ने मुझे भी एक मौका दिया होता। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आपने डॉक्टरों को चंद रुपए देकर कोख में ही मरवा दिया, और वो डॉक्टर भी ऐसे कि चंद रुपए के आगे उसने मुझे कोख में ही मार दिया। आज के समाज में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे समाज लड़ रहा है, वहीं इस ज्वलंतशील मुद्दों में भ्रूण हत्या एक मुख्य समस्या है। जहां एक तरफ महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो वहीं इस बदलते समाज में अपनी सोच नहीं बदली। इसमें किसको दोष दें, समाज को या फिर उस विज्ञान को जिसने इंसान को अनेक सुविधाएं दी हैं, वही इंसान के सर्वनाश की सामग्री का निर्माण का भी आविष्कार कर डाला है। समाज और देश आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन भ्रूण हत्या को लेकर समाज की सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा। दिन ब दिन भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। बात अगर हरियाणा के पानीपत की करें तो यहाँ चंद रुपयों के लालच में डॉक्टर भ्रूण हत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मोटी रकम मिलने पर वो 4.5 महीने के भ्रूण को भी कोख में ही मार देने की बात कहते हैं। पानीपत में गोहाना रोड पर स्थित महेंद्र अस्पताल पैसे के लालच में कुछ भी कर देता है, यहां तक कि भ्रूण हत्या भी। आप भी सुनिए कि कैसे डॉक्टर 4.5 महीने के भ्रूण को कोख में ही खत्म करने की बात कहती है और मोटी रकम की डिमांड करती है। नहीं नहीं रहा, और वो तो मैडम मेरी पर्सनल है इसलिए मान। हाँ, और 4.5 महीने का है दीदी, छोटे मोटी गुड़िया थोड़ी है, हैं? और 4.5 महीने का है पूरा। तो करे दीदी, कुछ कम करवा लो ना, कुछ कम करवा लो ना, मैडम से बोल दो कि कुछ तो कम करे, हैं? 19 बोल दो, 19,000 क्या दे दी सीधा, 1,000 मेरे कैसे,
उसने कहा कि भाभी कोई टेंशन ना हो जाए, मेरे को दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ शादी शुदा है, 3 बच्चे हो चुके हैं। अच्छा 4:30 बजे रात भर ही रहेगी। मैं तो वहीं रह रही हूँ विकास नगर में। रात को फिर वही मुसीबत, भागो दौड़ो ये करो वो करो। ऐसा करेंगे शाम को रख देंगे, सुबह हो जाए तो पता। दीदी दवाई रखने से ही हो जाएगी कि छुट्टी। हाँ मैं बात एक टुकड़ा रहेगा कुछ करने पड़ेगा, और किसी को बताना। दीदी बोलना मत, मैं तो डर के मैं डर के मारे तो आपके पास आई। दुनिया भर की नर्सें नहीं है क्या? हैं सोमवीर वाले में लेके जाती थी मैं केस, सारे सोमवीर वाले में लेके जाती थी। तो एक बार मेरी इसलिए अनबन होगी कि मैं बोली, मैं कहा मैडम इतने इतने पैसे दे दिलाती हूँ बंदों से मैं, और आप वही 500 रुपये ली, तो फिर फ़ायदा क्या दीदी? और एक बार मैंने 6 महीने का कराया था, जब भी उसने बोला कि चलो, उसने दिए थे कितने 48, तब तो मैं आज की बार मैं आपके पास आया तो तेरा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ठीक है दीदी। एक बार बताओ दीदी, आप तो हमारे बचपन को बचपन से मैं सबसे जानती हूं, इसलिए मैं तेरे को देखते ही मेरे को अच्छा लगा। तो सुना और देख लिया आपने कि कैसे महिला डॉक्टर भ्रूण हत्या की बात करती है और मोटी रकम लेने की बात कहती है, और हाँ साथ में ये भी कहती है कि इस बारे में किसी को ना बताना। बहरहाल महिला डॉक्टर ने तो चंद पैसों के लिए नवजात को भ्रूण में खत्म करने की बात कह दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर है कहाँ? स्वास्थ्य विभाग ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की बात तो कहता है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि मामले सामने आने से पहले स्वास्थ्य विभाग कहाँ सोया हुआ होता है? क्या सिर्फ मामले सामने आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा? इस बारे में जब हमने पानीपत सीएमओ से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से ये अभियान शुरू हुआ था सर, और कुछ लोग अब भी भ्रूण हत्या की कोशिशें करते हैं, तो सर इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो जैसे मैं तो अभी ज्वाइन किया तो हम फ्रिक्वेंटली विजिट्स कर रहे हैं, हर उस पर जैसे हमने सिटी स्कैन भी अल्ट्रासाउंड सेंटर भी और जो MTP के करवाते हैं, एक नए सिरे से एक कमेटियाँ बना रखी हैं, अलग 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 डॉक्टर जिस पर जाएंगे और उनको एग्जामिन करेंगे। अगर किसी के ऊपर भी हमने संशय आता है या कोई हमारे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उस हिसाब से कार्रवाई भी करते हैं, और जो भी हमारे पास आएगा हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अपने आप भी बगैर कार्रवाई के भी हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम जितने भी हमारे चेकिंग सेंटर हैं या ऑथोराइज जो हमारे चल रहे हैं उन हम हर एक को उसको एग्जामिन करवाएंगे। लेकिन अगर अथोराइज नहीं चल रहे, जो हमने मतलब जो अनऑथोराइज हैं वो हमारे नोटिस में तभी आ पाते हैं जब कोई बताए, क्योंकि हमारे पास उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो ऐसे अगर कोई अनऑथोराइज सेंटर चल रहे हैं या कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है बेटी बचाओ बेटी अभियान के लिए, तो उसके लिए हमारे डिप्टी सिविल सर्जन हैं डॉक्टर मनीष गोयल, जो हम हमारी तरफ से इस प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर हैं, उनको कोई भी सूचना आती है कोई सूचना दे के जा सकता है, उनको टेलीफोनिकली भी कोई सूचना दे सकते हैं, तो वो सूचना पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है। अगर वो ठीक भी मिलती है हमें तो हम उसको जो सूचना देने वाला है उसको सरकार की तरफ से जो भी उसका ड्यू अमाउंट होता है उसको फैसिलिटेट भी हम करते हैं, और उस सूचना को अगर वो बताने वाला चाहता है तो पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता है, वो हम किसी को भी नहीं बताते कि हमें सूचना कहाँ से कैसे प्राप्त हुई है, तो हम उस पर एक्शन ले लेते हैं अपने आप ही। सर क्या कार्रवाई होती है सर जो पकड़ा जाता है? पकड़े जाने पे तो देखो वो जो पकड़ा जाता है उसके नियम अनुसार कार्रवाई करते हैं हम। उस टाइम पर अगर कोई सामान ऐसे मिल जाता है तो तुरंत कईयों पर FIR भी लॉज करानी पड़ जाती है, उनको अरेस्ट भी कराना पड़ जाता है। कोई ऐसा संशय रहता है तो फिर हमें बाद में लीगल कोर्ट में भी केस डालना पड़ जाता है, और उसका सेंटर का हो सकता है अगर अथोराइज है तो उसको सील कर देते हैं, अनऑथोराइज है तो वैसे हमारी तरफ से अथोराइज है नहीं,
तो कार्रवाई उसके हिसाब से कर पाते हैं। अथोराइज है तो अलग तरीके से होती है, अनऑथोराइज है तो उसको इमीडिएटली पुलिस को भी हम इन्वेस्टिगेट के लिए मैटर दे देते हैं, भाई ये एक्चुअल में हुआ था, कितना हुआ था, क्या था, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर हम उस केस को कोर्ट में डाल देते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पानीपत स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करेगा, या फिर इस मामले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या फिर ये निजी अस्पताल संचालक ऐसे ही पैसों के लालच में भ्रूण हत्या करते और करवाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN News। तब तक के लिए नमस्कार।